So if you're into business, I'm sure you understand the importance of satisfied customers. And I'm also sure that you make all efforts to keep your customers satisfied. What I'm not sure is how do you measure this satisfaction? Hello friends, my name is Sanjay Singh and I'm your sales coach. Talk about how really do you gauge customer satisfaction? How do you find out what is the level of customer satisfaction? And how do you measure customer satisfaction? Because it is one thing to say that all my customers are very satisfied. You know, हर माँ बोलती है कि मेरा बेटा तो अच्छा ही है, तो हर व्यवसाय करने वाला बोलता है कि मेरा ग्राहक तो खुश ही है। बट ऐसा होता नहीं है और ऐसा संभव नहीं है कि 100% ग्राहक खुश हो। सो वॉट एग्जैक्टली डू यू डू टू गेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन? लाजमी है दैट टू फाइंड आउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन यू हैव टू टॉक टू कस्टमर्स, यू हैव टू टेक कस्टमर फीडबैक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू आस्क यू इज डू यू टेक कस्टमर फीडबैक? एंड इफ योर आंसर इज येस, हाउ डू यू टेक कस्टमर फीडबैक? अगर आपको राह चलते कोई ग्राहक मिलता है या कोई ग्राहक आपके दुकान पे आ जाता है और आप उससे संवाद करते हो कि क्या आप खुश हैं, तो शायद वो यही बोलेगा कि हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि कस्टमर फालतू का बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता, फालतू के आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहता, फालतू के डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। इजंट इट? सो देयर हैज टू बी अ वेरी न्यूट्रल नॉन थ्रेट मेथड फॉर टेकिंग कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक देते समय किसी प्रकार के प्रेशर में या किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार के थ्रेट एनवायरनमेंट में ना हो, तभी ही आशा की जा सकती है कि उसका फीडबैक न्यूट्रल, अनप्रेजुडिस्ड, अनबायस्ड आपके हित में है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ यू आर डूइंग दिस एंड इफ यू आर एबल टू कलेक्ट अ गुड फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स, हाउ डू यू मेजर इट? बिकॉज इफ यू कांट मेजर इट, यू कांट इम्प्रूव इट। अगर आप यही बोलते रहेंगे कि मेरे ग्राहक का फीडबैक अच्छा है, तो उसे और अच्छा कैसे बनाएं? यू नो, अच्छे को और अच्छा हम तभी बना सकते हैं जब उसका कोई मापदंड हो, जब कोई यार्डस्टिक हो, जब कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया हो। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मेजरमेंट क्राइटेरिया को कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, CSI। तो आप अपने आप को पूछिए कि आप अपने बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो नीचे लिंक डाल रहा हूँ, उसको अवश्य देखिए, पढ़िए। उसमें मैं अलग अलग उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट यू कैन कैलकुलेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। किसी की परचून की दुकान है, किसी का रिटेल स्टोर है, किसी का लार्ज फॉर्मेट स्टोर है, किसी का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, कोई इंडस्ट्रियल सेलिंग में, कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग में है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई डिजिटल सेलिंग कर रहा है। निश्चित रूप से हर एक के बिजनेस की प्राथमिकताएं अलग हैं और हर एक के बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स कैलकुलेट करने के पैरामीटर्स बदलेंगे। मुद्दे की बात यह है, डू यू कैलकुलेट योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स? अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो कब से करना चालू करना चाहते हैं। दोस्तों, आपके कमेंट्स का इंतजार होगा मुझे नीचे वीडियो में, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विथ यू एंड एजुकेट यू एज टू व्हाट शुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स इन योर बिजनेस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय सिंह, योर सेल्स कोच। I am on a special mission to empower 1 million salespersons with the science of selling. If you have not subscribed to my channel till now, please go down and subscribe to my channel. Click on the bell icon because I'm going to come with one new video for you every day with the science of selling. Take care, good luck, and bye-bye.